हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3, जिसमें हम खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए वेल अवेलेबल होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो देखो, खनिज के बारे में पहला तो आप पढ़ोगे, प्लीज़ नॉट वाइस, खनिज क्या मतलब के मिनरल्स, और इसके वितरण के बारे में, और इसके वितरण के बारे में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें आज पार्ट वन में होने वाला है। इसमें इतना ही नहीं है, इसके फिर सब कई सारे पार्ट्स भी होंगे। बहरहाल मेन अगर कहा जाए तो ये दो पार्ट ही इसमें होने वाले हैं। वॉइस कहाँ से आ रहा है सब? चलिए, सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, एक तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके लिए सो सॉरी, विदाउट प्रिपेयर आई एम प्रेजेंट, ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, लेकिन थ्योरी आपको पूरा 100% समझ में आने वाला है। नो डाउट कि इमेज से थोड़ा सा और आसान हो जाता है, बट आज इमेज हम ही बन जाएंगे, हम ही को देख देख के काम चला दो। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई साहब ये खनिज संसाधन कावा, ये खनिज संसाधन है क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वाटर इज अ मिनरल, जमीन के अंदर पाए जाने वाली जो चीजें हैं, मतलब सांप छुछुंदर भी नहीं, मतलब जितने प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनकी बात हो रही है, वो हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। अच्छा, हम बहुत दिन तक हम खाली पानी को जानते थे कि मिनरल है यानी कि खनिज है। थोड़ा सा और बड़े हुए तो हमको पता चला कि अच्छा, सोना चांदी अभरक धबरक ये सब आ जाता है खनिज में। तो आप लोग को भी कन्फ्यूजन है तो आज के बाद से दूर कर लीजिए। खनिज में ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जितने मेटैलिक पार्ट्स हैं और नॉन मेटैलिक में एक वाटर, ये सब आपको खनिज में ही आ जाते हैं यानी मिनरल्स में आ जाते हैं। तो ये आपको एक कंसेप्ट मिला। अब है कि भाई खनिज संसाधन को हम डिफाइन कैसे करें, तो आप बोलिएगा वे संसाधन, जैसा कि मैंने बताया कि खनिज संसाधन वो है जो जमीन के अंदर से निकलता है यानी जमीन के गर्भ से, गर्भ का मतलब जमीन के पेट से, ठीक है ना? जैसे औरतें गर्भवती होती हैं, मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना? अरे कुछ समझ रहे हो ना भाई? उसी तरीके से जमीन भी गर्भवती होता है ना, वो ऑलरेडी पहले से गर्भवती है, हाँ, धरती मैया। तो जब धरती मैया तो उसके उसको बोल सकते हैं ना भाई? नहीं समझ में आ रहा है लोग को लग रहा है, या समझ में आ रहा है बोलना नहीं चाह रहे हो? तो जमीन के अंदर से निकलने वाले सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? तो जमीन के अंदर जमीन का वो क्या कहलाएगा? अरे न गर्भ बोलना है तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी में हो तो थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना दो, कि क्या बोलेंगे उसको? मुंह बंद करने से काम थोड़ी चलेगा। आपको अगर ओवर स्टैंडर्ड बनना है तो थोड़ा स्टैंडर्ड में बोल दीजिए, कुछ नहीं बोलना तो चुतियापा वाली बात हो जाएगी। अरे कुछ तो बोलो भाई, कमाल है, अपनी भाषा में ना समझ में आता, अंग्रेज की भाषा में समझ में आएगा। वे संसाधन जो भूमि के गर्भ से प्राप्त होते हैं, भाई ये एनसीईआरटी का वर्ड है, मैंने थोड़ी डाला, ये आपके किताबों में दिया हुआ है। उसको अगर मैं समझा रहा हूँ अगर आम भाषा में तो आप लोग को थोड़ा लग रहा है कि वो यार पता नहीं सर क्या बोले जा रहे हैं, गजब यार। दिमाग अगर सही होगा ना, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, तो आप निगेटिव को भी खुद ही पॉजिटिव की तरफ मोड़ने लायक बन जाओगे। UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि बहन आपके पास है, तो बोला हाँ है, शादी हो गया कुमारी है, तो बोला कुमारी है, तो मेरा उससे शादी कीजिएगा। अब यहाँ पे जवाब क्या होता, हम आप होंगे तो साले का टकला फोड़ के आ जाए जो इंटरव्यू ले रहा है, यही ना होगा भाई। इसका सीधा सा जवाब ये था, मतलब आप अपनी बहन का मेरे से शादी कीजिएगा, ये क्वेश्चन था एग्जैक्ट। तो इसका जवाब ये था कि सर आप जैसे ऑफिसर से मेरी बहन की शादी हो, ये मेरी खुशनसीबी है, ये आंसर था इसका। यहाँ पर गुस्साना उसाना नहीं था, निगेटिव सेंस में नहीं लेना था, पॉजिटिव सेंस में हमें आना था, समझ आ रही है ना बात? तो ये आप लोग सीनियर क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहिए।
वे संसाधन जो भूमि के गर्भ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लौह एवं अलौह। देखिए पानी है तो अलौह ना होगा भाई। अब लौ अलौह क्या, पहले इसको समझ लो। जिसमें लोहा का अंश पाया जाए उसे हम लौह बोलते हैं, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाए अलौह बोलते। जैसे एजुकेटेड अनएजुकेटेड, है ना, अन लग गया है ना, तो अ लगने का मतलब तो जानते ही हो आप। तो वे संसाधन जो भूमि के गर्भ से, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ऑल मिनरल्स 99% आप कह सकते हो कि मेटालिक पार्ट है, बट वाटर तो मेटालिक पार्ट नहीं है ना, तो जो वाटर मेटालिक पार्ट नहीं है वो आ जाएगा अलौह में आ जाएगा। तो अब इसको फाइनल देख लो। वे संसाधन जो भूमि के गर्भ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लौह एवं अलौह, वो क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स। इंग्लिश में आप कुछ ऐसे कहोगे, रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द लैंड, यानी गर्भ। फॉर एग्जाम्पल फेरस यानी आयरन के सेंस में है ये, एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, आयरन का जो असल जो इंग्लिश होता है, साइंटिफिक इंग्लिश, वो आपको फेरस चीज है, फेरस ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे आप आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आयरन वर्ड का न कोई मुश्किल नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि खनिज संसाधन में या तो लौह होते हैं या तो अलौह होते हैं, तो आइए सबसे पहले लौह को ही देख लिया जाए। इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। ए थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आता है एग्जाम में कि लौह एस का उदाहरण, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो लोहे का अंश पाए जाने में लौह एस खुद हो जाएगा, दूसरा मैग्नीज, ठीक है, उसी तरह से क्रोमाइड, ये सब किसके उदाहरण है? पाइराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। दैट इज इट कंटेन्स अ ट्रेसेस ऑफ एन आयरन आयरन ओरी सच एज अ मैग्नीज एंड अ क्रोमेटाइज, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल एंड अ कोबाल्ट, ये सब इसी में आ जाता है। किसमें? लौह अयस्क में। आप ध्यान रखिए, लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, आपको वहां पे और क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी कहां से काम आने वाला है आपको। इनका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, यानी कि स्टील बनाने में किया जाता है। किसका? लौह का। ऐसा नहीं खाली इसी में क्या आता है, मुख्यतः ये बात है। अलौह, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जैसे सोना, चांदी, ताबा, जस्ता, अवरक, टीन, मैग्नीशियम इत्यादि, उसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है, सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, टीन, मैग्नीशियम इत्यादि। दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। ध्यान रहे कि सिक्के जो है, सिक्के में लोहे का अंश नहीं होता है। सिक्का में लोहा का अंश होगा जंग लग जाएगा, और ऐसा कोई सिक्का मिल रहा है जिसमें लोहा का अंश है, समझ जाओगे मोदी जी घोटाला, सॉरी मतलब उस वक्त की जो भी हुकूमत है वो घोटाला की है, ठीक है। यही वजह है कि सिक्का में जंग नहीं लगता है, उसमें लोहे का अंश नहीं मिलाया जाएगा। चलिए आगे, बाकी चीज़ सब भी है। जेवर इन लोग जो पहनती, ओरिजिनल नहीं पहनती है ना, इसीलिए कभी कभी नाखों में जंग लग जाता है इन लोग के, तो ओरिजिनल वाला जो पहनेंगी तो वहाँ भी लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। बक्सा डुप्लीकेट रहेगा तो जंग लग जाएगा, ओरिजिनल बात हो नबा, लोहे का अंश। चलिए इसी तरह से है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास है भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्राउड माइंड करना पड़ेगा। भारत में लौह एवं एक पार्ट आपको खत्म हो गया, क्या भाई, क्या 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 क्या, खनिज क्या होता है, ठीक है ना, तो खनिज होता है लौह अलौह, और लौह अलौह क्या होता है और उसके उदाहरण, एक पार्ट आपका यहाँ एंड हो गया। अब हम लोग दूसरी तरफ आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया था टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, कि इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो लोहा खूब पाया जाता है, बट अगर हम दक्षिणी पठार की तरफ बात करें तो यहाँ नहीं पाया जाता है उतना। यही वजह है कि जहाँ पाया जाता है उसे हम रत्नगर्भ भी बोलते हैं। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रही है बात? अरे रत्न का मतलब नहीं बोलते हैं प्रेम रत्न धन पायो, मतलब काबा, काबा
अबे रत्न का मतलब समझ में आ रहा है ना, सोना चांदी, हाँ तो इसको रत्न गर्भ ही, फिर आ गया गर्भ, तो अब हम क्या करें बताना पड़ेगा ना, अब तो समझ ही क्या होगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। गर्भ तो जहाँ बहुत सारे रत्न पाए जा रहे, तो कहाँ पाए जा रहे हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, इसलिए उसको कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लो, इसलिए दक्षिणी पठार को नहीं, इसलिए उत्तरी पठार को, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे नदर्न रीजन करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा आपको साउदर्न प्लेट्यू को, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा नोट्स में आप लोग। आगे उत्तरी भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, हमको लगता है सर दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको, देखिए पूरा पढ़ देता हूँ वन बाई वन। भारत के उत्तरी क्षेत्र में लौह एवं इस्पात की खादानें पाई जाती हैं, ठीक है ना जी, कहाँ पाई गई, ध्यान रखिए उत्तरी क्षेत्र में, परंतु भारत के उत्तरी मैदान में, किसने कहा है कि उसको जाने, किस कौन बोला रहा है, तो मिस आएंगी ना, तुम क्या घबरा रही है, क्लास के बीच में छुट्टी नहीं देते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में लौह एवं इस्पात की खादानें पाई जाती हैं, ठीक है जी, और भारत के उत्तरी मैदान में विभिन्न प्रकार की खनिजों का भंडार नहीं पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी पठार को नहीं, अरे भाई जहां पाया जाएगा उसको रतन गर्भी बोलेंगे, तो समझ में आ रही है बात, यहां पे मिस्टेक है भाई, मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा, इसलिए उत्तरी क्षेत्र को रतन गर्भी कहा जाता है। आगे देखिए उत्तर भारत, यहां पे देखिए इसका पुष्टि भी हो रहा है बेटा, पुष्टि भी हो रहा है, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा क्लास कैफ, वीडियो में तुम्हारा नाम आ गया, हमेशा के लिए अमर हो जाओ। उत्तर भारत में लौह अयस्क की खाद्यान्नों में वृद्धि हो रही है, यहां से पता चला कि भाई उत्तरी क्षेत्र का ही बात हो रहा है। आगे देखिए कोयला एवं लौह उद्योग, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री, थोड़ा सा समझिएगा इसको, उद्योग की प्रगति, अब देखो कोयला जो है ना, पहले रेलवे इंजन उसी से चलता था, जितनी सारी फैक्ट्रियां थी उसी से चलती थी, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी आपको आ गया है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े कल कारखानों को चलाने के लिए कोयला का अभी भी उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले के जितना नहीं है, लेकिन आप किताब तो पहले ही क्या है ना, तो क्या करोगे, पढ़ लो। उद्योग की प्रगति कोयला एवं लौह उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, अगर एनसीईआरटी का अगर दोबारा अगर हाल फिलहाल में किया जाए तो ये लाइन को हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि उद्योग की प्रगति में कोयला एवं बिजली, समझ आ रही है ना बात, अब कोयला का बहुत ज्यादा उपयोग पहले के इतना नहीं रहेगा, बहरहाल किताब में है तो पढ़ लो। अब का गारंटी का यही से टिका के क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चनों को तो वही करता है, 5 साल 6 साल पहले का लेकर पलट देता है 7 साल बाद, सब ऐसे ही चल रहा है सारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है, जैसे मुहर्रम खेलने के लिए तलवार, कोई का पेट फाड़े के लिए चाकू, मर्डर करने के लिए, सब्जी काटने के लिए भी, खाली निगेटिव मत सोचिए, अभी बोले पॉजिटिव ही सोचिए। तो लोहे से नए नए यंत्र का निर्माण होता है और कोयला से ऊर्जा प्राप्ति की जाती है, जिसके जरिए यंत्र भी चलाए जाते हैं, यंत्र का मतलब मशीन, यंत्र का मतलब मशीन, ध्यान दो इधर। अगला कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की, सही बात है, सही बात है, अरे भाई साहब लोहा नहीं होता ना तो बिजली का निर्माण भी ना हो पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली के निर्माण में भी कोयला की जरूरत पड़ती है, तो कोयला इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड इंपॉर्टेंट, अरे वाह थोड़ा सा बोल लेंगे, चैप्टर इंड कुछ लोगों को भटभट करने की आदत रहती है ना, सुधरेगा, अच्छी बात है, मतलब अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पाइराइड अधातुक प्रकार के खनिज हैं, ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में आता है पाइराइड कैसे खनिज हैं, नॉन मेटेलिक, बिल्कुल। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एथ्रोसाइट होता है, यानी एथ्रोसाइट वाला कोयला मिल गया ना तो आज जलाओगे तो एक हफ्ते बाद बुझाओगे, मजाक से हटके जलते रहता, और जिंदगी भर नहीं, लिमिटेशन भी होता है, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है ना बिजली का उत्पादन वगैरह के लिए, तो इसी एंथ्रोसाइट का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए
या फिर पहले रेलवे इंजन चलता था, रेलवे इंजन वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अरे हम लोग जो कोयला जो निकाली था फुसफुसवा कोयला है ये, तब हमको याद है बचपन में आयरन में डाला जाता था प्रेस करने के लिए, डालते थे थोड़े दिन में मुरझा जाता था, बहुत बेशरम था, तुरंत शरमा जाता था। ए बेशरम था शरमाएगा कैसे, सॉरी सॉरी मतलब जो भी था। तो बॉक्साइड देखिएगा बेटा, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड खनिज की आवश्यकता होती है, आपको ये याद रखना है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइड, बॉस से याद रखिएगा, बॉस। तो बॉक्साइड सीमेंट उद्योग का सबसे बोलना काबा प्रमुख कच्चा माल है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस दोनों का बीच का पॉइंट निकालो। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड खनिज की आवश्यकता होती है, फिर कहा गया कि बॉक्साइड सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो पता ये चला कि बॉक्साइड एल्युमिनियम के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है और बोलो ना सीमेंट के लिए भी रॉ मटेरियल, लेकिन सीमेंट के लिए सबसे उपयोगी माना जाएगा, इसीलिए वहाँ पे मेन आ गया, यानी कि द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री कौन? बॉक्साइड। मैग्नीज उत्पादन में भारत का, इसलिए बता दिया हूँ कि अगर आपको चार ऑप्शन आता, अगर उसमें से आपको अगर सीमेंट गायब कर देता तो बच्चे का खोपड़ी उड़ जाता, नहीं उड़ जाता, सीधे पूछ देता कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो आप तो पढ़ते कि यार ये तो बॉक्साइड सर पढ़ाए थे, सीमेंट पढ़ाए थे, सॉरी बॉक्साइड के लिए सीमेंट पढ़ाए थे, तो अब यहाँ पे दिमाग में आपके नहीं आता। तो कच्चा माल एल्युमिनियम के लिए भी होगा और अरे बोल ले या लेकिन सीमेंट के लिए प्रमुख होगा, उसके लिए खाली इंग्रेडिएंट्स होगा यानी हल्का फुल्का। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में काबा तृतीय स्थान है, इंडियाज रैंक थर्ड इन अ वर्ल्ड इन अ मैग्नीज प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों जितना पढ़े हो वहां से इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, अब आप लोग जहां चाहें जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। एक आध क्वेश्चन देख लो, लौह एवं अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें, ना कर लोगे? ऊपर देखे लौह किसको कहेंगे? जिसमें लौह का यानी लोहा का अंश पाया जाए। अलौह किसको कहेंगे? वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पलट देता है, कहता है कि लौह एवं अलौह खनिज का वितरण प्रस्तुत करें, तो वितरण दे देना कहाँ कहाँ पाया जाता है, लौह अलौह के बारे में लिखना और उसका वितरण दे देना, वितरण का मतलब कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का वितरण वर्णन करें। वाह बहुत अच्छा, ये भी आपको लगभग अथवा की तरह ही है। कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण में गति प्रदान की है कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है, तीसरा क्वेश्चन देखिए तीन तीन तरीके से पूछता है, तीन तीन तरीके से पूछता है, इसका मैंने इंग्लिश भी दे दिया है तो बिल्कुल चूकना मत। उसके बाद देखो इतना कम पढ़ाया हूँ, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व अलग अलग तरह का, फिर इतने सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो रहे हैं इससे, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस बना के रखिएगा, सिर्फ 18 मिनट के अंदर में आपका एक पार्ट हो गया द इन। कुछ क्वेश्चन है सिर्फ आज के क्लास से, बॉयज एंड गर्ल्स मतलब आज का टॉपिक समझने में किसी से कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए किताब पढ़ के आइएगा, अपने आप डाउट मिलेगा, पक्का मिलेगा, किताब पढ़ के आइएगा, फिर उसको डाउट को भी हम सॉल्व करने का प्रयास